नवाब अली के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का हल्ला बोल, कानूनी नोटिस भेजकर कहा माफी मांगे या फिर एक्शन झेले। नवाब मलिक की बढ़ेंगी मुश्किलें, पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी, नवाब मलिक के पास है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का बड़ा बयान, कहा ड्रग्स के आरोपियों की गुजरात के मंत्री से पहचान, एनआईए और एनसीबी से सही जांच की मांग। नवाब मलिक बोले 350 करोड़ की ड्रग्स पकड़े जाने की जांच हो, गलत गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। ड्रग्स केस पर नवाब मलिक के देवेंद्र फडणवीस पर बोला हमला, कहा बोलने का अधिकार है गाली देने का नहीं। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों से तिलमिलाया नवाब मलिक का परिवार, नवाब की बेटी और दामाद ने फडणवीस को भेजा मानहानि का नोटिस, कहा पीछे हटने वाला सवाल ही नहीं पैदा। एनसीबी दफ्तर में गवाह प्रभाकर सैल से पूछताछ, वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों को लेकर प्रभाकर सैल से पूछताछ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सीएम योगी ने किया टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित, कहा जिले में जल्द खुलेगी ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी। मेरठ में दिखा सीएम योगी आदित्यनाथ का अनोखा अंदाज, प्रदर्शनी का अवलोकन करते समय खेला कैरम बोर्ड। मेरठ में पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में सड़कों पर कार्यक्रम, स्कूली छात्रों ने सड़कों पर बांधा समाज, शहर के प्रमुख चौराहे देशभक्ति के रंग में रंगते नजर आए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की रैली, कश्यप महासम्मेलन को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद वादा पूरा नहीं किया। यूपी के बुढ़ाना में अखिलेश की रैली खत्म होने के बाद बैनर पोस्टर की लूट, लोहे की रॉड और बांस की बल्लियां लूटने लगे एसपी कार्यकर्ता। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के सामने लगाई गुहार, कहा अखिलेश चाहे तो मुझे कहीं और भेज दे, अखिलेश कहेंगे तो दूसरे राज्य में भी काम कर लूंगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला, कहा जो 4.5 साल घर में बैठा। मथुरा में ब्रजरज उत्सव में यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का दिखानों का अंदाज, भजन गाते दिखे श्रीकांत शर्मा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मकान पर पाकिस्तान का झंडा फहराने का मामला आया सामने, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर, आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों का साझा ऑपरेशन। सलमान खुर्शीद की नई किताब पर बवाल मचता नजर आ रहा है और इसी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया। बीजेपी बोली सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं की आस्था को कुचला, सोनिया और राहुल के इशारे पर हिंदुओं का अपमान। शिवसेना ने भी सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की इस्लामिक चरमपंथी संगठनों से तुलना का विरोध किया, खुर्शीद से अपनी बात वापस लेने की मांग रखी। सलमान खुर्शीद के हिंदू विरोधी बयान से साधु संतों में विरोध, तपस्वी छावनी के पीठाधीश पर जगतगुरु परमहंस ने खुर्शीद को पार्टी से निकालने की मांग की। दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की सोनिया गांधी से मुलाकात, बुधवार को प्रियंका से मिले थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दिल्ली के बवाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक बदमाश को पकड़ा। उरी में हुई घुसपैठ की जांच एनआईए करेगी, उरी एनकाउंटर में सेना ने पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर को पकड़ा था। उरी में हुई घुसपैठ की जांच एनआईए करेगी, उरी एनकाउंटर में सेना ने पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर को पकड़ा था। पंजाब विधानसभा में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास, फैसले को संघीय ढांचे का बताया उल्लंघन, कहा पंजाब और पंजाब पुलिस के अपमान वाला फैसला वापस ले केंद्र सरकार। दिल्ली में यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा को सौंपी गई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, कहा देश के लिए सौभाग्य का दिन। अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति शोभा यात्रा के साथ 14 नवंबर को वाराणसी पहुंचेगी, 100 साल पहले काशी से ही चोरी होकर कनाडा पहुंची थी मूर्ति। गुजरात के तापी में माउंट मॉन्डेड टोल प्लाजा के पास बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस सीधे टोल प्लाजा से टकराई, बस में सवार 15 लोग पूरी तरह जख्मी। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपाल और उपराज्यपालों का सम्मेलन, राष्ट्रपति ने कोरोना काल में राज्यपालों की भूमिका को सराहा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस, जबकि एक दिन में 340 मरीजों की मौत।
अतीक अहमद के बेटे उमर पर ईडी सख्त, उमर की संपत्तियों को खंगालने में जुटा ईडी, उमर के सिर पर 2 लाख का है इनाम। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिव्यांग युवक से पुलिस की बर्बरता, वीडियो वायरल होने के बाद दोनों आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के उन्नाव में साले ने बहनोई को फावड़े से काटकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिव्यांग की पिटाई मामले में एसएसपी ने लिया एक्शन, आरोपी सिपाहियों को किया सस्पेंड, सिपाहियों ने दिव्यांग की पिटाई की थी। यूपी के जौनपुर में मालगाड़ी पटरी से उतरी, एक दर्जन से ज्यादा डिब्बे क्षतिग्रस्त। हेरिटेज वाइन पॉलिसी लाने की तैयारी में एमपी सरकार, अधिकृत तौर पर बेची जा सकेगी महुआ की शराब, अगले साल लागू हो सकती है नई आबकारी नीति। कमला नेहरू अग्निकांड में कलेक्टर ने पेश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, वेंटिलेटर चालू करने पर हुआ था स्पार्क, आग पर काबू पाने से पहले फैला था धुआं। पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में एमपी अव्वल, 4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मिला लोन, प्रोसेस में 3 लाख एप्लीकेशन। मध्यप्रदेश के राजगढ़ में किसानों ने जाम किया जयपुर जबलपुर हाईवे, बिजली कटौती से अन्नदाता नाराज, कहा नहीं मिल रहा सिंचाई के लिए पानी।